बातचीत कर रहे हैं सब, सब भी ध्यान रख दो हमें, पर भाई कोई नहीं ध्यान। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को मेरी तरफ से। तो 8 बज चुके हैं तो हम बनाएंगे खाना। इधर काकी जी, बिट्टू उसके पापा जी बातचीत कर रहे हैं सब, सब भी ध्यान रख दो हमें, पर भाई कोई नहीं ध्यान। तो मैंने सब्जी तो बना लिया दाल की, तो अब गेहूं की रोटी बनाऊंगी। पापा जी दिल्ली जाएंगे ना, तो इसलिए देखो गाइस, हमारी बिट्टू खेल रही है, आप थोड़ी तबीयत सही है। और ये देखो, ये बर्तन धोने में लगी पड़ी है। काय कर रही, काय कर रही तू? बर्तन साफ कर रहे हैं। ये तो दिल्ली जाएंगे, मुझे थोड़ा डर है। दोस्तों हम हमेशा के लिए दिल्ली नहीं जाएंगे, गांव में ही रहा करेंगे मतलब। चलो बहुत बढ़िया खुशखबरी है। और देखो ये दे आरेड़ को पेड़ कितने तगड़ो हो यार। और देखो सरसों हमारे चारों तरफ, सरसों देखो कितनी अच्छी हो रही है गाइस। हमारे देखो उधर वालों को तो पीली हो गई, उन्होंने पानी दे दिया डूंगर में से, पानी ला ला के खानों में से। हमारे रह गए पानी के बिना, हमारे पानी नहीं है तो इसमें पानी नहीं लग पा रहा। ने खाना खा लिया है, हमने बर्तन। ये आ रहा आरू घूम रहा है। तो गाइस आप देख रहे हैं सब काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये बर्तन वर्तन धो रही है। इधर देखो हमने भैंसों के लिए नीम काट रखे, चीजें लाई है नीम इकट्ठा करके। ये देखो गाइस हमारी भैंसे नीम चरती है। ये रही जीजी, काट के लाई है पेड़ में चढ़ के ऊपर, कोई नहीं चढ़ सकता। ये चढ़ती है हमारे नीम में, ऊपर चढ़ जाती है फिर काट के लाती है। बैठी है अभी तो, फिर सरसों भी है, सरसों भी। अच्छा तो भाई जो सांगनी सरसों है ना वो पाड़ते हैं और फिर इसमें रड़ा के खुआ देते हैं भैंसों को। और भैंसों का देखो इसमें है बाजरा, एक में बाजरा है, दो इसमें भी है। हाँ पापा, दोस्तों देखो आज से हम सरसों की लड़ाई करेंगे। अब क्या लड़ाई करेगी, अब इतनी बड़ी सरसों की। हम बहुत ज्यादा कचरो हो रहे, यार हो रहे, देख ले सच में ही कर रही हूँ। खुरपी लेके आई हूँ खेत में, चलो दादाजी। मैं ना लड़ाऊ, मैं जा रही दिल्ली, नड़ा नड़ा। तो गाइस कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं न्यार ज्यादा हो गया है, तो उसे ये कर रहे हैं बेगड़ा। और कहीं कहीं सरसों ज्यादा सांगनी हो गई ना, तो उसे उपाड़ रहे हैं लोग। देखो हमारे सरसों वैसे तो सबकी अच्छी है सरसों, पर पानी नहीं लग रहा है, पानी की समस्या है हमारे थोड़ा। हाँ। तो गेहूं में भी सूख रहे हैं और सरसों भी खराब हो रही है, दोनों चीज खराब हो रहे हैं। तो अभी लड़ाएगी ये वो, तो ये तो जा रहे हैं दिल्ली और अब हम नहीं जा रहे हैं, हमेशा के लिए गांव में रह करेंगे क्योंकि हमारा मन भी नहीं लगता है, बीमार हो जाते हैं। झूठ ये रह सकते हैं क्या आपको लगता है? दिल्ली में क्या दिन रही हो? 10 दिन रहेंगे हम यहाँ। तो दोस्तों मैं तो चलो नड़ाती हूँ, ये जा रहे हैं इनकी ट्रेन। हाँ तो गाइस अब मैं तो निकल रहा हूँ दिल्ली, खाना आना सब ने खा लिया। हाँ सब फ्री है, खाना खा पी गए, मैं निकल रहा हूँ। बिट्टू की तबीयत अब हाल फिलहाल के ठीक है, दंगा भी करने लग गई अब तो वो सही है। और आओ ठीक है गाइस, मैं और बताऊंगा आपको आगे। मैंने इनको वो लसन बांध दिया है और छाछ एक बोतल मंटिक दे दी। ठीक दोस्तों, फिर मेरा ब्लॉग मिलेंगे आपको गांव के हमेशा। अब रोज आपको गांव के ब्लॉग आएंगे। हाँ और कॉमेडी वीडियो भी आएगी अच्छी अच्छी। ठीक है गाइस, मैं और बताऊंगा आपको दिल्ली पहुँचता हूँ, कितने बजे पहुँचता हूँ, क्या करता हूँ। तो गाइस मेरे साथ इसका भाई भी जा रहा है मैंक, क्योंकि वो जाएगा बेंगलोर, राजधानी से बेंगलोर जा रहा है वो, तो उसको मैं लेके जाऊंगा, फिर उसको ट्रेन में बिठा के फिर वो निकल जाएगा और मैं सुबह लेके चला जाऊंगा त्रिवेंद्रम राजधानी। तो मैं दोबारा से त्रिवेंद्रम के लिए रवाना हो रहा हूँ। ठीक है मिलते हैं आगे। जाने की तैयारी हो चुकी है यहाँ पे और मैं भी खड़े हैं मेरे साथ साथ में। अब आरु जी पास रहेगा, अनारु नहीं
बालन करेगा तो ऐसे कर ऐसी ऐसी जगह ना था जी तो जा रहे हैं बिट्टू अब मैं चाय बना रहा ले वो जाओ जाओ फाइनली हम जा रहे हैं देखो बच्चे रह गए आरव ये रह गया बाय आरव देखो ठीक है और ये देखो हमारी काचनी कितनी कितनी बड़ी हो गई इसमें मूले भी बो रखे हैं बीच बीच में जिस भाई को मूले खाने आ जाइए और चने बो रखे हैं चने की सब्जी बहुत है हमारे सरसों और सरसों की गंडेलिया सरसों की सब्जी हाँ पंजाबी सब्जी साग बोलते हैं उसे साग ये देखो कितनी आ रही मोटी मोटी पहले बता तो ठीक है गाइस और बताते हैं आपको बने रहो ब्लॉग के साथ हम आ चुके हैं राजगढ़ स्टेशन पे देखिए हम राजगढ़ पहुंच चुके हैं मैं और मैंग दोनों और अभी ट्रेन आने में तो बहुत टाइम है देखो बिफोर आ गए हम लोग 10-15 मिनट के समथिंग बिफोर आ गए तो अभी आ रही है देखो शालीमार एक्सप्रेस शालीमार से जाएंगे आज हम बरेली से नहीं जा रहे क्योंकि इसकी ट्रेन तो रात को शाम को इसके 8 बजे है राजधानी एक्सप्रेस जो निजामुद्दीन से चलती है बेंगलुरु तो गाइस ये बेंगलुरु जा रहा है और मैं जा ही रहा हूँ बता दिया आपको हाँ आज ये खुश है आज राजधानी में बैठेगा ये हैं पहली बार राजधानी में बैठेगा ये पहली बार हवा में उड़ेगा हवा में है ना तो गाइस और दिखाते हैं आपको दो पे आ गए हैं दो पे हम आ चुके हैं एंड हेलो गाइस इसका हेलो ले लो सबको सब दोस्त सभी बहने सभी भाई इसका हेलो ले लीजिए आप और दिखाएंगे अभी आपको हम ठीक है गाइस बने रहो ब्लॉग के साथ तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिल्ली सरारोला स्टेशन पे और हमारी गाड़ी हो गई थी 1.5 घंटा लेट एक घंटा तो मैंग के पास टाइम कम है वह सिर्फ क्वार्टर पे जाएंगे हाथ मुँह धोके तुरंत इसको छोड़ना पड़ेगा मुझे तो टाइम कम है इसलिए क्योंकि गाड़ी ज़्यादा लेट हो गई थी 2-3 जगह रुक गई थी काफ़ी देर तो सिर्फ इसको सीधे बस में बिठाऊंगा या बाइक से छोड़ूंगा जो भी होगा देखते हैं तो गाइस चलते हैं और अब आगे दिखाते हैं आपको पहुंच ही गए हैं तो क्वार्टर में पहुंचने वाले हैं तो गाइस फाइनली मैं क्या है मैंग को छोड़ आया हूं और वो चला गया है राजधानी में तो मेरा बताना नहीं हुआ था कि मैं उसको छोड़ने चला गया था टाइमिंग कम थी क्योंकि गाड़ी हमारे लेट हो गई थी ना तो जल्दी जल्दी मैंने उसको भेज दिया और वो चला गया तो ठीक है गाइस और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टाटा नमस्कार हो हमेशा खुश रहो मुस्कुराते रहो ऐसे ही।